हेलो फ्रेंड्स, स्टडी नोट्स एजुकेशन में आपका स्वागत है। 10,000 न्यू शिक्षक भर्ती 2022-23 के लिए हम सहायक शिक्षक के लिए आज सिलेबस देखने वाले हैं। इसके लिए संभावित सिलेबस क्या रखी जा सकती है, इसमें हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के पोस्ट आने वाले हैं। इससे पहले सहायक शिक्षक के पोस्ट के लिए इसमें आयु सीमा क्या रखी जाएगी, क्वालिफिकेशन क्या रखी जाएगी, उसका वीडियो अपलोड कर दिया गया है। प्लेलिस्ट का लिंक आपको दिया हुआ है, अगर आपने नहीं देखा है तो वहां से जाकर आप डिटेल में क्वालिफिकेशन देख सकते हैं। आज हम इस पोस्ट के लिए सिलेबस डिटेल में देखने वाले हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए ताकि आपको वीडियो का नोटिफिकेशन समय पर प्राप्त हो सके। इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। सहायक शिक्षक के पद के लिए इसमें परीक्षा योजना सिलेबस की बात कर लें तो यह हिंदी अंग्रेजी दोनों माध्यम के सिलेबस होने वाली है। इसमें सबसे पहले बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से टोटल 30 प्रश्न आएंगे। इसमें टोटल 150 प्रश्न 150 अंक के होंगे। और इसके बाद दूसरा भाग में दिया है सामान्य हिंदी 25 अंक के 25 प्रश्न होंगे। इसके बाद सामान्य अंग्रेजी से 25 अंक के 25 प्रश्न होंगे। इसके बाद गणित से यहाँ पास 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे। इसके बाद नेक्स्ट दिया हुआ है पर्यावरण अध्ययन से 5वां नंबर है 20 प्रश्न 20 अंक होंगे। इसके बाद कंप्यूटर संबंधी सामान्य ज्ञान से 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे। फिर सामान्य ज्ञान से आपके 10 अंक के 10 प्रश्न होंगे। इस प्रकार से टोटल सहायक शिक्षक के लिए 150 अंक के 150 प्रश्न होंगे और इसका विवरण इस प्रकार से यह दिया हुआ है। इसमें सहायक शिक्षक और शिक्षक की सिलेबस में क्या अंतर है, तो इसमें बाल विकास एवं शिक्षा के लिए थोड़ा सा अलग आपको पढ़ना होता है। इसके बाद इसमें गणित के साथ शिक्षक में इसमें विज्ञान दिया हुआ था, इसमें नहीं है, और उसमें सामाजिक विज्ञान भी दिया हुआ था लेकिन इसमें पर्यावरण इसमें दिया हुआ है। इस प्रकार से थोड़ा थोड़ा चेंज है, विज्ञान नहीं है और इसमें पर्यावरण ऐड कर दिया गया है और बाल विकास और शिक्षा शास्त्र में थोड़ा सा ऐड आपको किया गया है। इसके बाद हम इसके लिए पूरा डिटेल में सिलेबस देख लें तो इसमें पहला सिलेबस है बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। तो इसमें आपको बाल विकास का परिचय पूरा पढ़ना है, विकास की अवधारणा पूरा अवस्था आपको पढ़ना है, फिर इसके बाद विकास की पहलू पढ़ना है आपको। इसके बाद तीसरा यूनिट में दिया हुआ है सीखना और संज्ञान की विकास पढ़ना है। इस प्रकार से यह फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है। इसके बाद फोर्थ यूनिट में भी दिया हुआ है विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का, इस प्रकार से इसके लिए क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसके बाद भाषा में देख लें तो हिंदी भाषा के लिए भी 25 प्रश्न है, तो इसमें आप यह देख सकते हैं इकाई के अनुसार दिया हुआ है वर्ड विचार शब्द विचार। यह हिंदी के लिए सिलेबस शिक्षक के जैसे ही सेम रखी गई है, थोड़ा सा चेंज होती है। अंग्रेजी के लिए भी यह दिया गया है। इसके बाद गणित के लिए भी थोड़ा सा चेंज है, गणित की प्रकृति सीखना सिखाना का आकलन दिया हुआ है, दशमलव प्रणाली दी हुई है। यह सहायक शिक्षक में थोड़ा आसान दिया हुआ है, शिक्षक में थोड़ा हार्ड दिया रहता है। फिर पर्यावरण के बारे में भी दिया हुआ है। इसके बाद कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान का इस पॉइंट में दी हुई है, इसी से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिर सामान्य ज्ञान का भी यह विवरण दिया हुआ है, यहीं से आपके प्रश्न पूछे जाएंगे। यह पीडीएफ 2019 में जो एग्ज़ाम हुए थे उसका है। अभी जो 10,000 का पोस्ट आने वाला है उसके लिए भी सहायक शिक्षक के लिए यह सेम सिलेबस रखी जा सकती है। अगर कोई चेंज होता है तो आपको वीडियो में आगे अपडेट कर दिया जाएगा, इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन चालू कर लीजिए। इन सभी के पीडीएफ का लिंक आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का दे दिया गया है, वहाँ से आप जाकर इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।